हेलो जी, सत श्री अकाल जी। आप सबका स्वागत है सिमर की किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसा नाश्ता फ्रेंड्स जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, और हम बनाएंगे इसे एक ही चम्मच तेल से। आइए बनाते हैं सूजी का ब्रेकफास्ट। उसके लिए हम एक बाउल में डालेंगे 1 कप सूजी, और साथ ही डालेंगे 1/2 कप दही लेंगे, उसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसमें उसे पतला कर लेंगे थोड़ा सा, उसे मिक्स करके इसमें डाल देंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए फ्रेंड्स। ये मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक फ्राइंग पैन में हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। 1 चम्मच डालेंगे तेल, साथ ही 1/2 चम्मच जीरा, और थोड़ी सी डालेंगे हम हींग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मैश किए हुए आलू और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्जी की भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, पनीर की या कुछ भी, आप अपनी मर्जी की स्टफिंग इसको। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ मैश भी कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर की मदद से इसे मिक्स कर लें, मैश कर लें। ये देखिए, इसको अच्छे से मैश कर लें। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है, अब इसके हम छोटे छोटे टिक्के बनाकर साइड पर रख लेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे टिक्के टिक्के आप अपनी मर्जी से बड़ी छोटी भी कर सकते हो। ये हमारे टिक्के सारे बन चुकी हैं। अब एक कढ़ाई में या पतीले में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 गिलास, उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और 2 ऐसी कटोरियाँ लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है साथ में चिपके नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर भी काफ़ी फ्लफी हो चुका है। इसको हम एक बारी मिक्स कर लेंगे। साथ डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और इसे अच्छे मिक्स करेंगे एक बार। नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है फ्रेंड्स तो आप 1 पैकेट इनो का भी डाल सकते हैं इसमें। देखिए, इसे डालने के बाद थोड़ा सा हमारा बैटर है जो फ्लफी होना शुरू हो चुका है, स्मूथ भी हो चुका है। अब हम अपनी कटोरी को हाफ़ भरेंगे, पूरा नहीं भरना तो हाफ ही भरेंगे, क्योंकि हमारा बैटर है जो ऊपर आएगा फूल कर। अब हम एक ऐसी छन्नी लेंगे, उसमें हम अपनी कटोरियों को रख देंगे और उस छन्नी को कढ़ाई में ऐसे ध्यान से रख देंगे। गर्म है कढ़ाई, ऊपर से हम ढक देंगे। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक हमारा जो बैटर है थोड़ा सा सेट नहीं हो जाता। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे अपने बैटर को, काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। अब इसमें इसके बीचों बीच रखेंगे हम अपनी टिक्कियाँ जो बनाई हुई हैं, उसको अच्छे से रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। ऊपर से हम अपना जो बैटर है उसे पोर कर देंगे, अच्छे से इसे ढक देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे इसे। ये देखिए, काफ़ी कितना अच्छा इसका कलर आया। अब इसको हम निकाल लेंगे साइड से, इसकी चाकू से इसकी साइड से सारी अलग कर लेंगे। और ये इजी से ये निकल चुका है। ये देखिए, तो हम बीच में से काटेंगे और देखेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये, गरम गरम इसे सर्व करेंगे।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।